फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी यहाँ ठीक हैं। ये देखिए मेरा आयरन मैन का ARC रिएक्टर। आप लोग ब्लू कलर का देखे होंगे, लेकिन मैं इसे येलो कलर का बनाया हूँ, थोड़ा अलग कलर का। ये डार्क में शाइन भी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोगों को एक मोटे कार्डबोर्ड का एक सर्कल चाहिए, और उसके बाद हम लोगों को एक कार्डबोर्ड की पतली सी शीट चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोगों को ऐसे दो चाहिए। ये देखिए, मैं दोनों साइड कर ली हूँ पेस्ट। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को एक बोल में ग्लू डालना है थोड़ा सा। फ्रेंड्स, हम लोगों को इतना ही चाहिए। अब हम लोगों को ग्लो इन द डार्क पाउडर चाहिए। ये होममेड है, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में, आप लोग देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेता हूँ, ज़रा सा ही थोड़ा हम लोग को चाहिए। अब हम लोगों को एक ब्रश की हेल्प से इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को एक ऐसा पीस चाहिए पेपर का। मैं इसे ड्रॉ किया हूँ, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके कट कर सकते हैं या फिर फोटो कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम लोगों को, हम लोग ये जो पेस्ट बनाए थे, हम लोगों को इसे कार्डबोर्ड पे लगाना है। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को ये लपीस पेस्ट कर लेना है इस पे। फ्रेंड्स, मैं इसे पेस्ट कर लिया हूँ अच्छे से। अब हम लोगों को इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को इसके बैक साइड में सेफ्टी पिन लगा देनी है। आप लोग हॉट ग्लू से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब ये हम लोगों को बैच रेडी हो गया है। अब मैं आप लोगों को इसे डार्क में दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डार्क में कैसा लग रहा है। देखा आप लोग ने फ्रेंड्स, मेरा ये ARC रिएक्टर कितना इजी था और कितने कम आइटम से भी बन गया। तो आप लोग इसे घर पे जरूर बनाइएगा। और अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग।